दोस्तों जब बात आता है स्पेस एक्सप्लोरेशन की तो आपको कभी ना कभी अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने का मन जरूर किया होगा। लेकिन अभी अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने के लिए हम तो स्पेस पे नहीं जा सकते, और जिसके लिए टेलीस्कोप को इन्वेंट किया गया है ताकि हम धरती पर रहकर अंतरिक्ष पर मौजूद स्टार्स और प्लैनेट्स को देख सके। और आपको तो पता ही होगा कि नॉर्मल टेलीस्कोप कुछ इस तरीके का होता है, पर आज आप किसी छोटे या नॉर्मल टेलीस्कोप के बारे में नहीं बल्कि हमारे इस धरती पर मौजूद 7 सबसे बड़े टेलीस्कोप के बारे में जानने वाले हो, जिससे सिर्फ स्टार्स और प्लैनेट्स को ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ अंतरिक्ष पर मौजूद एक्सोप्लैनेट्स भी दिखाई देता है। और इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नंबर 7, जेमिनी ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप। यह जेमिनी ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप का डायमीटर करीब 8.1 मीटर का है। यह टेलीस्कोप हवाई और शाइल जैसे दो जगहों पर स्थित है। जो टेलीस्कोप हवाई पे है उसे जेमिनी नॉर्थ कहा जाता है, और जो शाइल पे है उसे जेमिनी साउथ के नाम से जाना जाता है। यह टेलीस्कोप सबसे बड़े और एडवांस्ड ऑप्टिकल या इंफ्रारेड टेलीस्कोप में से एक है। इस जेमिनी टेलीस्कोप को 5 सबसे बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ओन किया गया है, और इसे मेंटेन भी उन्हीं 5 ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा होता है। और उन 5 ऑर्गेनाइजेशंस का नाम है NSF यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन जो यूनाइटेड स्टेट्स पर है, नेशनल रिसर्च काउंसिल जो कनाडा का है, उसके बाद शाइल का CONICYT, ब्राजील का MCTI और अर्जेंटीना का MCTIP। ये 5 ऑर्गेनाइजेशंस जेमिनी टेलीस्कोप को एक साथ ऑपरेट भी करते हैं। इस टेलीस्कोप को उन 5 ऑर्गेनाइजेशंस के रिसर्चर्स स्पेशली सोलर सिस्टम, एक्सोप्लैनेट्स, स्टार्स कैसे बनते हैं और इसका इवोल्यूशन, गैलेक्सीज के स्ट्रक्चर, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, क्वासर्स, यूनिवर्स के स्ट्रक्चर्स, इन सबको समझने में और इनके ऊपर रिसर्च करने में हेल्प करता है। और ये सब काम इस टेलीस्कोप पर मौजूद एक जेमिनी प्लैनेट इमेजर यानी कि GPI इंस्ट्रूमेंट के जरिए होता है। नंबर 6, वेरी लार्ज टेलीस्कोप। ये वेरी लार्ज टेलीस्कोप, जिसे शॉर्ट में VLT टेलीस्कोप भी कहा जाता है, इस टेलीस्कोप का डायमीटर तकरीबन 8.2 मीटर का है, और ये टेलीस्कोप एटाकेमा डेजर्ट शाइल पर मौजूद है। असल में ये VLT टेलीस्कोप 4 इंडिपेंडेंट टेलीस्कोप से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे इन चारों टेलीस्कोप पर सिंगल 8.2 मीटर का प्राइमरी मिरर लगा हुआ है। इन सारे टेलीस्कोप को सेपरेट करके भी यूज किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर इसे एक साथ ही यूज करते हैं ताकि उन्हें हाई एंगुलर रिजोल्यूशन का इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये टेलीस्कोप विजुअल और इंफ्रारेड वेवलेंथ दोनों के साथ ऑपरेट किया जाता है। ये चारों टेलीस्कोप एक एडवांस्ड इंटरफेरोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट से लिंक रहता है, जिसे VLTI कहा जाता है, जिससे रिसर्चर्स को ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि स्टार्स और नेब्यूलस को अच्छे से स्टडी करने में मदद करता है। ये VLT टेलीस्कोप सबसे पहला ऐसा टेलीस्कोप है जिससे बेटा पिक्टोरिस बी नाम का एक एक्सोप्लैनेट का इमेज डायरेक्टली लिया था। ये VLT टेलीस्कोप से सुपरमैसिव ब्लैक होल के चारों तरफ मौजूद स्टार्स को भी आइडेंटिफाई करने में सक्षम है। नंबर 5, सबारू टेलीस्कोप। यह सबारू टेलीस्कोप VLT से थोड़ा बड़ा है, और इसका डायमीटर है 8.4 मीटर। यह टेलीस्कोप माउना की ऑब्जर्वेटरी हवाई पर स्थित है। इस सबारू टेलीस्कोप को जापान के नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के द्वारा कंट्रोल और ऑपरेट किया जाता है। इस टेलीस्कोप पर भी सिंगल मिरर लगा हुआ है, ठीक उसी तरह जैसे जेमिनी टेलीस्कोप पर लगा हुआ था, पर यह टेलीस्कोप भी जेमिनी टेलीस्कोप से थोड़ा बड़ा है। और इस टेलीस्कोप को कुछ खास आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है, जैसे कि मल्टी ऑब्जेक्ट इंफ्रारेड कैमरा स्पेक्ट्रोग्राफ, जिसे MOIRCS भी कहते हैं, और कूल मीट इंफ्रारेड कैमरा स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि COMICS, जो एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष पर मौजूद इंटरस्टेलर डस्ट को मल्टीपल टारगेट से इन्वेस्टिगेट करने में मदद करता है। ये सबारू टेलीस्कोप एडवांस्ड हाई कॉन्ट्रास्ट इमेजिंग सिस्टम के जरिए एक्सोप्लैनेट्स का डायरेक्ट इमेज भी निकल सकता है। ये सबारू टेलीस्कोप स्पेशली डीप व्हाइट फील्ड का सर्वे और हमारे सौर मंडल पर मौजूद प्लेनेट 9 को रिसर्च करने में लगा है। नंबर 4, लार्ज बाइनोक्यूलर टेलीस्कोप। ये LVT टेलीस्कोप यूनाइटेड स्टेट साउथ ईस्टर्न एरिजोना पर मौजूद पिनालेना माउंटेन के 3,300 मीटर यानी कि 10,700 फीट के ऊपर माउंट ग्राफम पर स्थित है। इस टेलीस्कोप का डायमीटर है 8.4 मीटर। थियोरिटिकली ये टेलीस्कोप अभी के टाइम पे सबसे बड़ा टेलीस्कोप माना जाता है, लेकिन ये LVT टेलीस्कोप बहुत ही कम डिफ्रेक्शन लिमिट पे रोशनी को कलेक्ट करता है, फिर भी इसे दुनिया के सबसे गैरखंडित टेलीस्कोप कहते हैं। ये टेलीस्कोप बहुत ही यूनिक डिजाइन और लाइट एडेप्टिव ऑप्टिक्स के साथ बनाया गया है, जो एटमॉस्फेरिक फेज इरोर को ठीक करने में मदद करता है। उसी के साथ ये टेलीस्कोप कम थर्मल बैकग्राउंड, ज्यादा एंगुलर रिजोल्यूशन और ज्यादा सेंसिटिविटी के लिए छोटे और दूर के ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर लेता है। साल 2008 पे ये LVT टेलीस्कोप 2XMM JO830265241339 का एक क्लस्टर गैलेक्सी को सक्सेसफुली डिटेक्ट कर लिया था,
जो हमारे पृथ्वी से तकरीबन 6 बिलियन प्रकाश वर्ष दूरी पर था। नंबर 3, साउथ अफ्रीकन लर्च टेलीस्कोप। इस साउथ अफ्रीकन लर्च टेलीस्कोप को शॉर्ट फॉर्म में SALT भी कहा जाता है और इससे साउदर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप माना जाता है। इस टेलीस्कोप पर 91 हेक्सागोनल मिरर का सेगमेंट लगा हुआ है। ये स्पेशली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स का स्पेक्ट्रोस्कोपी और पॉलीमेट्रिक एनालिसिस के लिए साउदर्न हेमिस्फीयर पर लगाया गया है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से इन सारे एनालिसिस को नहीं किया जा सकता। पर कुछ सालों बाद इस टेलीस्कोप को दूर के क्वासर्स और छोटे गैलेक्सीज पर फोकस्ड कर दिया जाएगा। नंबर 2, KEK-1 & 2। KEK-1 और KEK-2 इसे फेमस ट्विन टेलीस्कोप और WM-KEK ऑब्जर्वेटरी के नाम से जाना जाता है। इस WM-KEK टेलीस्कोप का डायमीटर है 10 मीटर। ये टेलीस्कोप यूनाइटेड स्टेट्स के हवाई में मोना की के 4145 मीटर यानी कि 13,600 फीट के ऊपर मौजूद है। इन दोनों टेलीस्कोप पर 10 मीटर चौड़ा प्राइमरी मिरर लगा हुआ है। इस टेलीस्कोप पर एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है जिसे डीप एक्स्ट्रागैलेक्टिक इमेजिंग मल्टी ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ यानी कि DEIMOS भी कहा जाता है, जिसके मदद से यह टेलीस्कोप 130 गैलेक्सीज से भी ज्यादा गैलेक्सीज के लाइट को सिंगल कैप्चर में गैदर कर सकता है। इसके साथ और एक इंस्ट्रूमेंट इन दोनों KEK टेलीस्कोप पर लगा हुआ है जिससे नियर इंफ्रारेड कैमरा यानी कि NIRC भी कहते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट इतना सेंसिटिव है कि अगर चांद के सतह पर कोई छोटा सा आग जला दे तो ये टेलीस्कोप इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए उसे भी डिटेक्ट कर लेता है। ये दोनों KEK टेलीस्कोप दूर के गैलेक्सीज और क्वासर के फॉर्मेशन और इवोल्यूशन पर रिसर्च करने के लिए फोकस्ड किया गया है। नंबर 1, हॉबी इवर्ली टेलीस्कोप। ये हॉबी इवर्ली टेलीस्कोप जिसे HET भी कहा जाता है, ये टेलीस्कोप दुनिया के दूसरे सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप है जो 10 मीटर का ऑप्टिकल एपर्चर से बना हुआ है। इस टेलीस्कोप पर भी एग्जैक्टली 91 मल्टीपल हेक्सागोनल प्राइमरी मिरर लगा हुआ है। यह HET टेलीस्कोप को स्पेशली दूर के गैलेक्सीज और स्टेलर ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है। पिछले कुछ सालों से यह टेलीस्कोप बहुत सारे एक्सोप्लैनेट्स का पता लगाया है और साथ में गैलेक्सीज के रोटेशन स्पीड भी सक्सेसफुली कैलकुलेट कर रहा है। हालांकि बाकी टेलीस्कोप से यह HET टेलीस्कोप का मेन मिरर 55 डिग्री एंगल पे फिक्स्ड किया हुआ है ताकि यह टेलीस्कोप रात के समय पर 70-81% अंतरिक्ष को कवर कर सके। अब यार, आपको इन सारे टेलीस्कोप में से कौन सा टेलीस्कोप बेहतर लगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में दिए गए घंटे को भी ऑन करके ऑल पे सिलेक्ट कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में इस वीडियो को अपने तरफ से शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छे और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।